अभी बधाई हो भैयो, कसो काई रहो? अच्छो से आए और बैठो भाई। आरु बहन तुम आई का? हाँ भाई आई गई। तुमको कहो की खबर करे पर तुम आबा है तो लेट काई होएगा। तब मैं काम करना, हम जल्दी जल्दी करना, हम अभी लेट हुई। चलो हम तो ठीक से आएगा तो और गंजे। हाँ आरु भैयो। भैयो बढ़िया से, और कोई हम गंदे का परेशान से आबा पर काम हुए। अते भैया अस्पताल में हुए घर? नहीं घर, अभी कहाँ अस्पताल जाना, वो टेमन नहीं आया, नहीं सब काम हुई हो। चलो कोई बात नहीं, आप भैया को टीकाकरण हुए कि नहीं? भैया को टीकाकरण हमको थोड़े की जानकारी। चलो आज मंगलवार छे तो भैया को अपन टीको अस्पताल में लगवेला। तो अस्पताल में टीको आज लगी जाएगा? हाँ आज मंगलवार छे लगी जाएगा। तुम उधर से देखता है आज के? हाँ हाँ बहन चला गए टीको लगा ला भैया को फिर। हाँ चला नहीं अस्पताल पे भैया को कार्ड कहाँ रखे? कार्ड तो इन कथे रखे होगा नहीं? कार्ड यहाँ कथे से देख लेवा। नहीं तुम रुको, हो देखो कारण ढूंढो, तुम निकलो और का तैयारी करो। हाँ यहाँ कहते धरे तो कारण। चलो यो रखियो मिली को। चलो हाँ भैया के लिए। हाँ चलो निकलो, हाँ कार्ड हाथ में रखो, धीरे से उठ जाओ। नमस्ते जीजी। नमस्ते, आइए बैठिए। जीजी भैया को टीको लगाना। कार्ड लाए हो? हाँ भैया पास है ना कार्ड। लो भैया कार्ड। हाँ ये देखिए, अगर घर पे प्रसव हुआ तो इसको ये 3 टीके लगाना है, और टीके लगे नहीं। अगर हॉस्पिटल में प्रसव होता तो ये टीके यही लग जाते, हॉस्पिटल में टीके लग जाते और पोलियो की दवाई भी पिलाई जाती। खैर कोई बात नहीं है, आप लोग आ गए, आज टीकाकरण के दिन भी है और आपको आपके बच्चे को भी टीका लगा। उसको मत मारना है। ये सो सफेद सफेद क्यों हुई रोजी जी? हाँ भाभी ये टीका है ना, त्वचा है ना जो अपनी चमड़ी है उसके नीचे की परत पर सीधा लगाया जाता है, और ये ऐसे ही लगाया जाता है टीकाकरण के अनुसार। ये ऐसे ही लगाया जाता है जितने, यानी 0.1 ml दवाई डालते हैं उसके बाद, और इसके बाद भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है कि, क्योंकि ये 2-3 सप्ताह बाद तो थोड़े फुंसी का आकार ले लेगा। हाँ। और फिर उसके बाद और 6 सप्ताह तक थोड़ी बड़ी हो के फिर छोटा छोटा निशान बनेगा, फिर सूख जाएगी, और यहाँ पर जैसे जहाँ ये टीका लगा ना वहाँ निशान बनेगा। हाँ। वो कि उससे ये पता हो जाएगा कि इसको कभी भी कोई भी देखेगा तो ये पता, वो निशाने से ही पता हो जाएगा कि इसको PCG का टीका लग चुका है। ये उल्टे हाथ पे लगाया जाता है, लगाते समय आपने वो देखा सफेद है। हाँ। वो संतरे की जैसे पपड़ी के जैसे तो चमड़ी हो गई है ना। हाँ। यही है ना। हाँ। कोई घबराने की बात नहीं। तुमने जी टीका गुनाव बताया, काई जी टीका गुनाव BCG, ये काई का लेन लगा जगा काई हो जी? ये टीबी की बीमारी से, जो टीबी का संक्रमण होता है ना। हाँ। उस बीमारी की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है ना। ये है ना, बस जिंदगी भर में एक ही बार लगाया जाता है। देखो ये कार्ड पे लिखा है जामुनी जो बना हैगा, और ये टीका एक ही बार लगाया जाता है BCG का टीका। अच्छा जैसो जी बच्चा का नहीं लगता तो कितना समय बाद लेकर लगा सका जा पर कभी टाइम हो जाता तो? अपन 7 दिन के अंदर भी लगा सकते हैं, और अगर 7 दिन भी, वैसे तो जहाँ भी प्रसव होता है आशा दीदी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बता देती है कि हम लोग तुरंत बुलवा के लगा लेते हैं टीका, यानी स्वास्थ्य केंद्र पर, आंगनबाड़ी केंद्र पर, आप कहीं भी आशा दीदी लोग बुलवा के लगवा देती है। और फिर भी अगर लेट हो गया तो साल भर के अंदर कभी भी लगवा सकते हैं। ये जन्म का तुरंत बाद लगाना पड़ा टीको? हाँ भाभी, इसलिए तो आप लोग को कहा गया था कि प्रसव हॉस्पिटल में कराए, संस्था में कराए, कि जन्म के तुरंत बाद ही BCG का टीका लगाया जाता है। तो कोई बात नहीं है, ये 7 दिन के अंदर भी 0 डोज लग जाता है, और अगर 7 दिन में नहीं है तो 1.5 माह के टीकाकरण में आते हैं, जब लगा देते साल भर तक कभी भी ये टीका लगा सकते। पैसा वैसा लगे कहीं? नहीं भैया, बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, और प्रसव भी है ना हॉस्पिटल में कराते हैं, बिल्कुल निशुल्क होता है। ये आप कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, हॉस्पिटल हो, या पोषण आहार दिवस मनाते हैं ना महीने में हर बार गांव में, आप कभी भी ले जा सकते हैं बच्चे को और वहाँ टीका लगवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में और निःशुल्क। और हमको तो ये जानकारी दी नहीं बिजली यहाँ से भी कि टीको लगा कि नहीं, वो तो बहन टाइम पाएगा तो हमको मालूम पड़ेगा टीको भी लगा।
अच्छा हुआ दीदी आप ले आए, धन्यवाद कि कम से कम समय से इसको टीका लग गया, सेवाएं जो मिलनी थी वो मिल गई। तो आपका टीका सब बढ़िया रहेगा? हाँ टीका लगा दी हूँ तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, इसको कभी बीमारी है ना टीबी की बीमारी नहीं होगी, जो बचपन में होती है बीमारी टीबी की, ऐसे टीबी की बीमारी तो कोई सी उम्र में कभी भी होती है, लेकिन इस बीमारी की रोकथाम के लिए इससे अगर ये टीका नहीं लगता और अगर बीमार हो जाता है, टीबी की बीमारी हो जाती है तो उससे कभी कभी मृत्यु का खतरा रहता है। जी तुमने अच्छो बताई थी हमका कि टीका से इतनी बीमारी ना दूर हो, ना हमका तो बात की जरा सी भी नहीं जानकारी थी। अब हम कहीं करा गांव में जावांगा ना सबने एक ही बात कहूंगा भाई, सब अपना बच्चा ना का सुरक्षित रखनो है तो ये टीको लगाड़ो, अपना गांव की आंगनवाड़ी में जाओ ना वहां से ही मिलो, स्वास्थ्य केंद्र में जाओ तो टीको लगाड़ो। धन्यवाद आप लोग आए, अच्छी बात है। हम अपनावना वाला बिंदु बीसीजी को टीको बाड़क टीबीसी होना वाले मृत्यु का खतरा से बचावज। बीसीजी को टीको बाड़क जन्म से लेन एक वर्ष का भीतर लगायो जाई सकज। बीसीजी को एक टीको लगज। सभी सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र न आंगनवाड़ी केंद्र में ग्राम स्वास्थ्य न पोषण आहार दिवस पर टीकाकरण होवज। इनो टीको बिना रुपया का या फ्री में लगज।